हाँ, तो अपन बात कर रहे थे विश्व के प्रादेशिक भूगोल में विश्व के प्रमुख प्राकृतिक प्रदेश मेजर नेचर रीजन ऑफ द वर्ल्ड जो भल्ला ने जो वर्गीकरण किया है उसमें अपन आगे देखते हैं कि इनको एक एक को टॉपिक वाइज जो उष्ण प्रदेश है ट्रॉपिकल लैंड है जैसे नंबर एक भूमध्य रेखीय निम्न प्रदेश इक्वेटोरियल लोलैंड्स, इसमें भूमध्य रेखीय निम्न प्रदेश भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक इसका विस्तार है। इसमें अमेजन बेसिन कांगो बेसिन गिनी तट पूर्वी तट द्वीप समूह के दक्षिणी मलाया इत्यादि निचले प्रदेश सम्मिलित है। यह वर्ष भर सूर्य सीधा चमकता है इसलिए तापमान ऊंच रहता है और दिन रात लगभग बराबर होते हैं। औसत तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहता है और वार्षिक तापांतर लगभग 3 डिग्री सेल्सियस होता है। वर्ष भर समान ऋतु रहती है किंतु दैनिक वर्षों की वार्षिक औसत 200 सेंटीमीटर तक होती है। वर्षा यह वर्षा सर्व समानीय होती है। वर्षों की लंबाई 60 मीटर से 100 मीटर तक होती है। इनकी चोटियां छतरीनुमा होती हैं और सूर्य का प्रकाश भी छनकर नीचे नहीं पहुंच पाता है। वृक्षों के बीच में अनेक प्रकार की बेलों उगाती हैं जो वृक्षों के तनों से लिपट जाती हैं। यहाँ महोगनी गट्टापारची शेडल बांस रबड़ शिनकॉन आइवरी एबोनी रोजवुड इत्यादि वृक्ष उगते हैं। भूमध्य रेखीय वर्षावनों में अनेक प्रकार के जीव जंतु मिलते हैं जिनमें अधिकांश वृक्षों की चोटियों पर रहते हैं। इनमें बंदर सांप मेंढक छिपकली गिरगिट अनेक प्रकार के रंग बिरंगे पक्षी मुख्य हैं। भूमि पर हाथी गेंडा जंगली सुअर तथा नदियों में दरियाई घोड़े विशाल मगर और घड़ियाल रहते हैं। यहाँ जनसंख्या घनत्व बहुत कम है। ये लोग रबड़ चावल चक्का मक्का गेहूँ गन्ना कहवा चाय केला इत्यादि पैदा कर लेते हैं। मलाया के मसाले साबूदाना सुपारी शिनकॉन इत्यादि उगाए जाते हैं। अमेजन बेसिन में रबड़ कांगो बेसिन से रबड़ कोको ताड़ का तेल आथीदांत ब्राज़ील से कहवा गिरिया तथा जावा में चीनी बाहर भेजी जाती है। यहाँ खनिज पदार्थ बहुत कम मिलते हैं। मलाया में टिन जावा सुमात्रा तथा बोर्निया में पेट्रोल कट्टांग अफ्रीका में तांबा रेडियम शीशा तथा चांदी और धाना में सोना मिलता है। नंबर दो भूमध्य रेखीय उच्च प्रदेश भूमध्य रेखीय उच्च प्रदेश इसका विस्तार दक्षिणी अमेरिका में स्थित इक्वेडोर व कोलंबिया और पूर्वी अफ्रीका का पठारी तथा मलाया के पर्वतीय क्षेत्र तक है। ये प्रदेश भूमध्य रेखा के समिष्ट भाग में ही स्थित है किंतु उच्च पठार होने के कारण इनकी जलवायु आर्थिक विकास भूमध्य रेखीय निम्न प्रदेशों में भिन्न है। इस भूभाग की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 2500 मीटर है। यह औसत तापक्रम 13 डिग्री सेल्सियस रहता है क्योंकि प्रति 100 मीटर पर लगभग 1 सेल्सियस तापक्रम कम हो जाता है। वर्षा का वार्षिक औसत 125 सेंटीमीटर है। यहाँ के निचले पहाड़ी ढालों पर सदाबहार वन मिलते हैं। ऊपरी भागों में केवल घास उगती है। दक्षिणी अमेरिका के इस प्रदेशों में लामा अल्पाका व विकुना जंतु मिलते हैं। इनसे ऊन प्राप्त होती है। कृषि में यहाँ गेहूँ जौ मक्का कहवा रुई सीसल इत्यादि बोए जाते हैं। पशुपालन के यहाँ मुख्य व्यवसाय है। इक्वाडोर में पेट्रोलियम कोलंबिया में सोना चांदी प्लेटिन टिन और टंगानिका में सोना मिलता है। पॉइंट नंबर 3 सूडान तुल्य प्रदेश सूडान टाइप रीजन इसका विस्तार भूमध्य रेखीय प्रदेशों के उत्तर तथा दक्षिण में 30 डिग्री अक्षांश तक है। इसमें अफ्रीका में स्थित सूडान गैम्बेजो नदी का ऊपरी बेसिन और जंजीबार बेसिन दक्षिण अमेरिका में ओरोनिको बेसिन
ब्राज़ील का दक्षिणी व भीतरी भाग, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया का भीतरी भाग आदि सम्मिलित हैं। यहाँ की जलवायु गर्म है, वार्षिक तापमान 5 डिग्री से 16 डिग्री सेल्सियस तक होता है। दो ऋतुएँ, गर्मियों का औसत मासिक तापमान 27 डिग्री सेल्सियस है, कहीं कहीं यहाँ 43 डिग्री सेल्सियस का अथवा इससे अधिक तापक्रम होता है। वर्षा होने पर तापक्रम कुछ गिर जाता है, किंतु हवा में नमी की अधिकता के कारण तापक्रम की कमी का अनुभव नहीं हो पाता। शीत ऋतु में उच्च भागों को छोड़कर प्राय 20 डिग्री सेल्सियस से कम तापक्रम नहीं होता। औसत वार्षिक वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर तक है। अधिकांश वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है, जाड़े शुष्क रहते हैं। गर्मी में भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी 20 डिग्री अक्षांश तक खिसक आती है, जिसके फलस्वरूप यहाँ सामान्य वर्षा प्राप्त होती है। शीत ऋतु में ये प्रदेश व्यापारिक वायु की शुष्क पेटी में रहते हैं। यहाँ लंबी घास खूब उगती है, बीच बीच में लंबे वृक्ष जैसे यूकेलिप्टस, टेमोरिड, ताड़, सीबी इत्यादि उगाते हैं। ऐसे घास के मैदानों को सवाना कहते हैं। 5 मीटर तक लंबी एलिफेंटा घास मिलती है। सवाना घास के मैदानों में वेंजुएला में लानोस, दक्षिणी ब्राज़ील में कैम्पोज और दक्षिणी अफ्रीका में पार्कलैंड कहते हैं। इन मैदानों में घास खाने वाले जानवर बारहसिंगा, जेबरा, गाजीला, जिराफ, कंगारू बहुत से अच्छे मिलते हैं। इन घास खाने वाले जंतुओं का शिकार करने वाले जानवर शेर, चीते, तेंदुए, गिदड़, लकड़बग्घा भी मिलते हैं। इनके अतिरिक्त जंगली हाथी भी मिलते हैं। यहाँ के निवासियों का मुख्य व्यवसाय पशुचारण, शिकार करना, कृषि तथा व्यापार है। सूडान, पूर्वी अफ्रीका तथा रेडोसिया में कृषि का बड़ा महत्व है। इन स्थानों पर सिंचाई की व्यवस्था भी की गई है। सूडान में कपास, गेहूँ, कहवा, मूंगफली, ज्वार, बाजरा, मक्का और कपास उत्पन्न किए जाते हैं तथा रोडेशिया में मक्का, तंबाकू पैदा होती है। जिम्बाब्वे में ब्रोकिन हिल प्रधान खनिज होते हैं, जहाँ एस्बेस्टोस, सोना व कोयला मिलता है। सूडान के गावेट से सोना मिलता है।